शमशान में बैठकर एक घर में डकैती डालने की योजना बना रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने हथियारों के साथ घेराबंदी कर पकड़ा है। इसमें से 2 बदमाश मौके से पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। पकड़े गए बदमाश आदतन अपराधी हैं, जो एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने घटना को अंजाम देने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया। इंदौर की द्वारकापुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि अहिरखेड़ी के शमशान घाट में कुछ युवक किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने तत्काल एक टीम बनाकर मौके पर घेराबंदी कर शमशान से 5 बदमाशों को पकड़ा, जबकि उनके 2 साथी मौके से भाग निकले। यह सभी बदमाश एक घर में डकैती डालने की योजना बना रहे थे, जिसके पास हथियार भी थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार जब्त किए हैं। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। हाँ, देर रात में हमने 5 आरोपी डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया है, जिसमें कि उसमें कई अपराधी जो है आत्तन अपराधी हैं और इनके खिलाफ जो है कई मुकदमे दर्ज हैं। ये शमशान घाट है अहिरखेड़ी में, वहाँ बैठ करके एक मकान पर डकैती की योजना बना रहे थे, तो इसकी जानकारी मुखबिर से हमको लगी थी, जो सब इंस्पेक्टर विकास पाटिल के नेतृत्व में एक टीम भेजी गई थी, जो इनको मौके पर डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ा गया था। और इन पकड़े गए आरोपियों से फालिया, चाकू, लाठी, टामी आदि हथियार जब्त किए गए थे। यदि इनको मौके पर नहीं पकड़ा जाता तो निश्चित रूप से ये डकैती डालते, और 2 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं, उनकी भी तलाश सरगर्मी से जारी है। ये सभी आदतन अपराधी हैं और हमारे द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।